بسم الله الرحمن الرحيم. In class, we are going to study chemistry chapter number 2. The name of this chapter is Structure of Atoms. Today, we will study all about Rutherford atomic model, its experiment, observation, then result, and its defects. Let's have a look on Rutherford atomic model. बेटा इसमें हम ये देखेंगे कि उसने किस तरह से अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और अपनी ऑब्जर्वेशंस रिजल्ट हमें बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल रदरफोर्ड परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, बेटा उसका नेम क्या था? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। और इसने ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया था? इसने ये एक्सपेरिमेंट ये समझने के लिए किया था कि हाउ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज कुड को एग्जिस्ट, कि कैसे एक साथ एक ही एटम में ये दोनों चार्जेस रहते हैं। उसने क्या किया, उसने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया ऑन 0.00004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉइल, ठीक है। देन अब बेटा जो अल्फा पार्टिकल उसने यूज किए थे वो कहां से आए थे? दे आर कम फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट लाइक रेडियम एंड पोलोनियम। और वो थे क्या बेटा? वो एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियर थे। हीलियम न्यूक्लियर मतलब जैसे देखिए यहाँ पे चार्ज है आपके पास हीलियम के ऊपर पॉजिटिव 2, हीलियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बेटा जब उसने अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लूज किए तभी उसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज आया ना, और इसका मतलब क्या है कि अब सिर्फ उसके पास उसका न्यूक्लियस है, आउटर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं। दे कैन पेनिट्रेट थ्रू मैटर टू सम एक्सटेंट। अब बेटा सिर्फ और सिर्फ इसके पास न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस बचा है, तो ये क्या करेंगे, ये किसी भी मैटर के कुछ हद तक अंदर एब्जॉर्ब हो सकते हैं, ठीक है। पेनिट्रेट का मतलब होता है एब्जॉर्ब, अंदर तक जाना, तो ये एब्जॉर्ब हो सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व क्या किया बेटा? उसने ऑब्जर्व किया अल्फा पार्टिकल्स के जो इफेक्ट थे उसने ऑब्जर्व किससे किए, ये इफेक्ट उसने ऑब्जर्व किए फोटोग्राफिक प्लेट और अ स्क्रीन व्हिच इज कोटेड विद जिंक सल्फाइड, क्लियर। और उसने ये भी प्रूव किया कि जो प्लम पुडिंग थ्योरी थी प्रीवियस हमने पढ़ी वो रॉन्ग थी अबाउट एटम। अब रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को समझते हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑन अ डायग्राम। दिस इज अ सोर्स फॉर अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए जा रहे हैं किसके ऊपर? गोल्ड फॉइल के ऊपर, ठीक है। गोल्ड फॉइल के ऊपर जो अल्फा पार्टिकल आके गिरे तो बेटा पार्टिकल्स ने किस किस तरह एक्ट किया। कुछ पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं, ये देखें ये ब्लू लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, ठीक है। कुछ पार्टिकल्स ने स्मॉल डिफ्लेक्शन की, जैसे ये वाले देखें, डिफ्लेक्शन की और अपना एंगल चेंज कर लिया। कुछ पार्टिकल्स प्रॉपरली बाउंस बैक हो गए, ठीक है। ये जो रेड कलर की लाइन आपको शो हो रही है ये वो पार्टिकल हैं जो प्रॉपरली बाउंस बैक हो गए, क्लियर। नाउ लेट्स डिस्कस ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड। ही ऑब्जर्व दैट ऑलमोस्ट ऑल पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टिवली। सारे के सारे पार्टिकल ऑलमोस्ट आपके ना एटम्स के अंदर से अनडिफ्लेक्टिवली मतलब सीधे निकल गए। एंड आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स ओनली फ्यू वर डिफ्लेक्टेड एट फेयरली लार्ज एंगल एंड वेरी फ्यू वर बाउंस बैक, यानी कि बिल्कुल गोल्ड फॉइल का स्ट्राइक किए और बैक पे आ गए। अच्छा बेटा इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं बुक की डायग्राम से, आपके पास ये एटम्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब उस टाइम पे तो ये डिस्कवरी नहीं था कि दीज पॉजिटिव चार्जेस आर सपोज टू बी न्यूक्लियस एंड द सराउंडिंग इज सपोज टू बी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। सो ऑब्जर्वेशन किस तरह की रदरफोर्ड ने? ही ऑब्जर्व दैट दीज अल्फा पार्टिकल व्हेन मूव ऑन थ्रू द एटम ऑलमोस्ट ऑल अल्फा पार्टिकल्स मूव स्ट्रेट एंड वेरी फ्यू, ये देखें जो ये स्ट्राइक किए पॉजिटिव पार्टिकल के साथ उन्होंने अपना एंगल चेंज कर लिया, लिटिल बिट चेंज किया और थोड़ा ज्यादा भी चेंज कर लिया, मतलब स्मॉल डिफ्लेक्शन भी हो सकती है लार्ज डिफ्लेक्शन भी हो सकती है। एंड वेरी वेरी फ्यू वर बाउंस्ड बैक, कुछ बिल्कुल जो बिल्कुल सेंटर पे इसके टकराए वो बिल्कुल बाउंस बैक हो गए। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं अपने एक आइटम के डायग्राम को देखते हुए। लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस डायग्राम। दिस रेड स्पॉट इज सपोज टू बी अ न्यूक्लियस एट दैट टाइम। एंड हुआ क्या बेटा, ये अल्फा पार्टिकल्स जो कि न्यूक्लियस के पास से भी नहीं गुजरे, मतलब काफी एरिया से काफी उनका डिस्टेंस है वहां से पास होने, वो तो स्ट्रेट चले गए। जो न्यूक्लियस सपोज टू बी न्यूक्लियस के स्ट्राइक किए एज पे, उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा अपना एंगल चेंज किया और मूव करके, और जो इस सपोज टू बी न्यूक्लियस के दरमियान में स्ट्राइक किया उन्होंने बाउंस बैक किया, क्लियर।
जी स्टूडेंट्स, जब रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया, ऑब्जर्वेशन हमने उसकी डिस्कस किया, देखते हैं कि उसने एटम के ऊपर कौन से पॉइंट जो है वो क्लैरिफाई किए, हमें कंफर्म किए, जिसको उसने रिजल्ट्स का नेम दिया। नंबर वन, सिंस मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास टू दी फॉइल अनडिफ्लेक्टिवली, काफी सारे पार्टिकल जो है वो एटम के अंदर से अनडिफ्लेक्टिवली पास ऑन हो गए, जिससे उसने ये क्लियर किया कि एटम के अंदर काफी सारी स्पेस एम्प्टी होती है, ठीक है, विच इज अ क्लियर पॉइंट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, सेकंड रिजल्ट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ अ फ्यू पार्टिकल, जो कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए उन्होंने क्या प्रूव किया, उन्होंने प्रूव किया कि एटम के सेंटर के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, जिसको उसने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस का। थर्ड पॉइंट इज अ कंप्लीट रिबाउंस ऑफ अ फ्यू पार्टिकल शो दैट न्यूक्लियस इज वेरी डेंस एंड हार्ड, कुछ पार्टिकल्स का बिल्कुल ही रिबाउंस बैक हो जाने का मतलब यह है कि जो सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है बेटा, वो बहुत ही हार्ड और डेंस है, ठीक है, मतलब कॉम्पैक्टली पैक्ड स्ट्रक्चर मौजूद है, विच इज ऑल्सो करेक्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज, सिंस फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड, सिर्फ कुछ ही पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए, इससे क्या पता लगता है कि न्यूक्लियस का जो साइज है वो बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एन एटम, विच इज ऑल्सो अ करेक्ट पॉइंट, बिकॉज न्यूक्लियस रिक्वायर ओनली अ सेंटर पोजिशन ऑफ एन एटम। द अदर पॉइंट इज द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, बेटा उसने ये भी कंफर्म किया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉनिक काउंट के अंदर मूव करता है, ये भी ठीक है, क्योंकि बेटा जब अल्फा पार्टिकल मूव ऑन हुए, न्यूक्लियस के अलावा किसी भी चीज, किसी भी पार्टिकल्स ने वहां पर डिस्टर्बेंस नहीं की, विच मीन्स इलेक्ट्रॉन का कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, ये मूव करते रहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। देन एटम एज अ होल इज अ न्यूट्रल, इसका क्या मतलब है कि एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नंबर ऑफ चार्जेस इक्वल है, बिकॉज अल्फा पार्टिकल आल्सो हैविंग अ चार्ज दिस इज पॉजिटिव चार्ज, अगर अंदर एटम अपने सेटिस्फाई ना होता अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्जेस को लेके, तो अल्फा पार्टिकल्स के चार्ज की वजह से कोई ना कोई डिस्टर्बेंस जरूर आती, और अल्फा पार्टिकल के चार्ज की वजह से वहां इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के चार्जेस में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, जिसने ये क्लियर किया कि एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ऑल अदर फंडामेंटल पार्टिकल दैट लाई विद द न्यूक्लियस आर नोन एज न्यूक्लियन, उसने इलेक्ट्रॉन के अलावा जितने भी पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है उनको न्यूक्लियन के नेम से रेफर किया। क्लियर जी स्टूडेंट्स, हम सब ने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखा, ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट देखे। अब रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट और मॉडल में ऐसे क्या डिफरेंस थे जो रदरफोर्ड के मॉडल के बाद भी एटम के फर्दर मॉडल डिस्क्राइब किए गए, प्रेजेंट किए गए। लेट्स सी द डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली शुड रिलीज और इमिट एनर्जी, बेटा इसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूअसली रिलीज करनी चाहिए, इमिट करनी चाहिए एनर्जी, इससे क्या होगा बेटा, जाहिर बात है जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा तो ऑटोमेटिकली वो न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा, तो इससे तो हमारा एटम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता, एटम तो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये इसका पहला डिफेक्ट है, ठीक है। एंड द सेकंड इफेक्ट, इफ इलेक्ट्रॉन इमिट एनर्जी कंटिन्यूअसली, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी कंटिन्यूअसली इमिट करता रहेगा तो उसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, बट इन फैक्ट इट फॉर्म लाइन स्पेक्ट्रम। बट यहाँ पे आपके पास जो स्पेक्ट्रम है इट्स अ न्यू वर्ड, लेट्स हैव अ लुक ऑन डायग्राम टू एनालाइज दिस, व्हाट काइंड ऑफ अ कंटिन्यू और लाइन स्पेक्ट्रम प्रेजेंट, दैट इज दिस इज अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड द अदर साइड इज अ लाइन स्पेक्ट्रम। बेटा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में हमारे पास इस तरह से कंटिन्यू रिजल्ट आता है किसी भी चीज का जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और लाइन स्पेक्ट्रम में हमारे पास इस तरह से बार्स के फॉर्म में लाइंस आती हैं ताकि हमें कंफर्म हो दिस इज द लाइन स्पेक्ट्रम। ये भी एनालाइजिंग करने का एक वे है, ठीक है। अभी आपके लिए इतना ही काफी है, ये कॉन्सेप्ट आपको फर्दर क्लासेस में क्लैरिफाई किया जाएगा। क्लियर जी स्टूडेंट्स, अभी जो हम लोगों ने अपना टॉपिक डिस्कस किया, देखते हैं उसमें से हमें किस तरह के एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं। द फर्स्ट इज द डैश रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, आपके पास चार ऑप्शन है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन एंड मॉलिक्यूल, आपको अच्छे से पता है द करेक्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। क्लियर, दिस इज द पॉइंट फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड। क्लियर, नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन अनदर एमसीक्यू, दैट इज रदरफोर्ड बॉम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल ऑन डैश सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉइल, हियर आर द फोर ऑप्शन, ऑप्शन ए बी सी एंड डी, एंड यू नो that Rutherford bombarded alpha particle on 0.00004 centimeter thick gold foil. बेटा इसी तरह से MCQs आप लोगों ने रिवाइज करने अपने इस टॉपिक में से, जो भी बुलेट पॉइंट होगा उसको मेमोराइज करें फॉर सेक ऑफ अटेनिंग और अटेम्प्टिंग MCQs. क्लियर, लेट्स हैव अ लुक व्हाट काइंड ऑफ अ शॉर्ट क्वेश्चन यू विल फेस फ्रॉम दिस टॉपिक। नंबर वन इज व्हाट आर Rutherford's ऑब्जर्वेशन, ठीक है बेटा, इसमें आप इसी तरीके से उसकी ऑब्जर्वेशन की हेडिंग में से उसके ऑब्जर्वेशन के टू पॉइंट्स लिखेंगे, लाइक दीज आर एज फॉलोज। नंबर वन इज
almost all particle pass through the foil undeflectedly, and the other is out of 20,000 particle, only few were deflected at fairly large angle, and very few were bounces back on hitting the gold foil. बेटा अगर आप लोग के लिए इजी हो तो आप इसकी डायग्राम को भी बना दें फॉर वन न्यूक्लियर और फॉर वन एटम, अदरवाइज दीज टू पॉइंट आर इनफ फॉर गेनिंग टू मार्क्स. क्लियर? Another short question from this topic is, what are nucleon? Except electron, all other fundamental particle that lie within the nucleus are known as nucleon. Beta, this is the last point of the result of the Rutherford. इसी तरह से आपने बेटा सारे short question ready करने हैं. जब आप अपने study कर रही होंगे तो आपने हर point को देखना है कि this can be form a short question or not. ठीक है? और उस तरीके से इसकी revision करें. अब अगर बेटा हम discuss करें कि long question, तो बेटा Rutherford as a whole आपके पास एक complete long question है. ठीक है? इसके two parts भी हो सकते हैं, जैसे explain the experiment of Rutherford and observation, also explain the results of Rutherford. तो आपने इस तरह से इसको long के लिए भी prepare करना है, short के लिए भी, and as well as for MCQs, the bullet point. Clear? ताकि आप paper में इस topic को हर हिसाब से attempt कर सकें. Clear?